की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक झा स्टडी में पे, और मैं हूं दीपक झा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उम्मीद से आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहते हैं, मुझे खुशी भी मिलती है कि आपका उम्मीद मेरे इस वीडियो पे बना हुआ रहता है। इस चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो सिर्फ अपने एग्जाम को निकालने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जो उम्मीद है मैं उसको कभी खाली नहीं जाने देंगे, क्योंकि हर एक उम्मीद को मैं पूरा आपके रिजल्ट प्रेजेंट करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप भरोसा है इस चैनल पे। तो सबसे पहले बात कि आज के जो वीडियो में क्वेश्चन आया है वो सभी सभी क्वेश्चंस क्या होगा कि सोशल साइंस होगा, और सभी के सभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो बस वीडियो के पूरा अंत तक वॉच कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा और आपका ध्यान कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बस यहीं कहीं आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में अगर बैठिएगा क्वेश्चन एक बार अगर आप पढ़िएगा तो उसका आंसर आपको खुद ब खुद याद होते चलेगा, और आप आसानी से टिक लगाते चलिएगा और नंबर अपने हाथों में लेते चलिएगा। तो चलिए अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। और भाई अगर इस चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूला ही नहीं है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर ले तो हमें सपोर्ट मिलेगा, और फिर हम पूरे क्योंकि देखिए सपोर्ट मिलने से क्या होता है कि अगर हमारे अंदर हौसला बढ़ेगा, फुल एनर्जी प्रोवाइड होगा हमारे सर बॉडी में, ठीक है। और वो अगर एनर्जी हमारे बॉडी में आ गया ना, तो फिर आपके बीच पूरा फ्री मेंटलिटी से और पूरे जोश के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1863 ईस्वी में फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा है 1864 ईस्वी में, तीसरा 1871 में, और चौथा है 1872 में। तो फ्रैंकफर्ट की दोस्तों जो संधि हुई थी ना, वो हुई थी 1871 ईस्वी में। याद कर लो 1871, नाम से ही इसका आंसर याद होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में कब हुई थी, 1871 में। उसके बाद दूसरा है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? इटली का जो एकीकरण जो पूरा हुआ था वो कौन सा युद्ध के कारण हुआ था, किस युद्ध के कारण, किस युद्ध के बाद, समझो। तो इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ ना, वो आपका सीडान का युद्ध है, ठीक है। कहीं कहीं आपको पहले तो ऑप्शन बता देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिलोवा का युद्ध, सेकेंड था सीडान का युद्ध, थर्ड है क्रीमिया का युद्ध, और फोर्थ का है प्रसा डेनमार्क युद्ध। तो प्रसा डेनमार्क नहीं है भाई, सिलोवा का युद्ध में भी इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, ठीक है। सीडान का जब युद्ध हुआ था ना, ऑप्शन टू में सीडान का युद्ध के बाद ही इटली का एकीकरण पूरा हो पाया। वो उससे पहले भी युद्ध हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत सारा युद्ध हुआ, लेकिन सीडान का युद्ध हुआ और उसके बाद जो हुआ इटली का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीडान के युद्ध के जगह पर कितना सिडोवा का युद्ध देता है उसमें टिक लगा देता है, कहता है सिडोवा का युद्ध सही है, इटली का एकीकरण में सिडोवा का युद्ध के बाद हुआ था, जो कि क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है थ्री, उसको समझो, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, यानी कौन से संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फर्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि, सेकेंड है गैस्टीन की संधि, थर्ड है डेनमार्क की संधि, और फोर्थ ऑप्शन है प्राग की संधि। तो भाई संधि जो हुआ था और उसके बाद जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद। इसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इटली का एकीकरण पूछेगा तो सिडान के युद्ध में टिक लगाइएगा, और जर्मनी का एकीकरण अगर पूछ दिया ना तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद टिक लगाइएगा। इसके बाद किसके संधि के द्वारा, सॉरी किसके संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा टिक लगाइएगा। ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ही दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन कहीं भी रहे, 1 2 3 4 कहीं भी रहेगा, याद कर लीजिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, पिछला वाला अगर वीडियो देखिएगा सोशल साइंस वाला जो क्वेश्चन का वीडियो दिए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसमें भी ये क्वेश्चन दिए हुए थे, फिर से हम लाए। हंगरी की जो राजधानी है वो क्या है, कहाँ है, बुडापेस्ट फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड है रोम, थर्ड है पेरिस, चौथा है मास्को। पेरिस मास्को के बारे में आपको पता होगा, रोम के बारे में आपको पता होगा, लेकिन हंगरी का जो राजधानी है ये तीनों तो है ही नहीं भाई। ये कहाँ है, बुडापेस्ट, कहाँ है, बुडापेस्ट है। तो हंगरी की राजधानी याद कर लो बुडापेस्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रहा है बुडापेस्ट, ये देख रहे हो, यहाँ देखो ये है हंगरी की राजधानी, कैपिटल ऑफ हंगरी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन वर्साई की संधि कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ऑप्शन है 1918 में, सेकेंड 1919 में, थर्ड 1920 में, और फोर्थ क्या 1923 में। तो वर्साई की जो संधि हुई थी वो हुआ था 1919 में, कब हुई थी वर्साई की संधि, 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था, ठीक है, हाँ याद कर लो 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, ठीक है।
हनोई समझौता कब हुआ था, क्वेश्चन सिक्स कह रहा है, जिसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1942 में कह रहा है, सेकेंड है 1943 में, थर्ड है 1944 में और फोर्थ है 1946 में। तो हनोई समझौता जो हुआ था वो मैं आपको बता दूं 1946 में हुआ था, ऑप्शन फोर। हनोई समझौता कब हुआ था, 1946 में हुआ था, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं, क्वेश्चन सेवन को देखते हैं, क्योंकि सिक्स अभी आपको बता दिए जो हनोई समझौता कब हुआ था 1946 में हुआ था। अब क्वेश्चन सेवन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन सेवन कहता है कि मेटरनिक क्या था, क्या घोर प्रतिक्रियावादी था मेटरनिक, या घोर सामंतवादी था, या तानाशाह, या प्रजातांत्रिक। तो मैं आपको बता दूं मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था, ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है घोर प्रतिक्रियावादी। घोर सामंतवादी नहीं था लेकिन प्रतिक्रियावादी जरूर था मेटरनिक, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, घोर प्रतिक्रियावादी मेटरनिक था। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था, आप फर्स्ट ऑप्शन में आपका 1947 में, सेकेंड 1948, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1947 में, सेकेंड 1848 में और थर्ड है 1849 में और फोर्थ ऑप्शन है 1850 में। तो मेटरनिक का जो पतन हुआ था ना वो हुआ था 1848 में, याद कर लीजिए। मेटरनिक का पतन जो हो गया था वो कब हुआ था, 1848 में उसका पतन हो गया था, ठीक है। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, मेटरनिक था, मेजनी था, नेपोलियन था या गरिबाल्डी था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता था ना, समझ लीजिए, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था वो था आपका भाई नेपोलियन। आप कहीं कहीं देखिएगा कोई मेजनी में टिक लगा करके आ जाता है, लेकिन एकदम गलत है। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता जो था वो नेपोलियन का काल था, राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन ही था, मेजनी नहीं था, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन याद रखिए, थर्ड है और नाम इसमें है कि नेपोलियन, यानी इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है लास्ट 10, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आता है और 10 जितने क्वेश्चन रहता है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। 10वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था, जो इटली का जो एकीकरण था उसका तलवार किसको माना जाता था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बिस्मार्क, सेकेंड है गैरिबाल्डी, थर्ड है नेपोलियन और फोर्थ है किस कोसूत भाई, इसको तो पहले हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, ये नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो है गैरिबाल्डी, इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को माना जाता था। गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के, इटली के जो एकीकरण हुआ था उसमें तलवार गैरिबाल्डी को माना जाता था, समझ लीजिए। वो कम छोटे मोटा आदमी नहीं थे, उनका ये दिमाग चलता था, और तलवार लोहा माना जाता था, किसको, गैरिबाल्डी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो बस मेरा उम्मीद है कि आप अंत तक वॉच किए हैं, और बस उम्मीद से ही मेरे वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितने स्टूडेंट सबके पास, और अच्छे से अपने स्टडी करते हुए अपने एग्जाम अच्छा से रिजल्ट के साथ पास करना है। और बस मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए क्वेश्चन के साथ, और नए स्टडी भी होगा और नए एक्साइटमेंट में हुआ और नए एक्सप्रेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।